मौन रहने के पश्चात गुरु महाराज जी पुनः बोले, तुमने वह कथा सुनी है? गुरु बहन ने करबद्ध होकर के कहा, महाराज जी कौन सी कथा? मानो युगों के आर पार देखने वाली दृष्टि गुरु महाराज जी ने उस बहन पर डाली और फिर कहा कि एक सेठ था, उसके अनेकों व्यवसाय थे, उसका एक अंगूरों का बाग भी था। और एक दिन वो सेठ अपने सेवकों के साथ उस बाग के निरीक्षण के लिए पहुंचा। उसने देखा कि अंगूर पककर तैयार हैं। वह अपने सेवक से कहता है कि जाओ बाजार में जाकर के कुछ मजदूर ले आओ और उन्हें अंगूर तोड़ने के काम पर लगा दो। सेवक ने वैसा ही किया। वह बाजार में गया, कुछ मजदूरों को लाया और उन्हें अंगूर तोड़ने के काम पर लगा दिया। दोपहर को पुनः सेठ निरीक्षण के लिए आया और देखा कि सभी मजदूर यूं तो अंगूर तोड़ने में व्यस्त हैं, परंतु फिर भी बाग का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तोड़ना शेष है। वह फिर से अपने सेवक से कहता है कि जाओ और मजदूर ले आओ और उन्हें भी अंगूर तोड़ने के काम पर लगा दो। सेवक ने फिर से वैसा ही किया, बाजार में गया, कुछ मजदूरों को लाया और अंगूर तोड़ने के काम पर लगा दिया। संध्या के समय एक बार फिर से सेठ पहुंचता है बाग के निरीक्षण के लिए। उसने देखा कि अभी भी बहुत से अंगूर तोड़ने शेष हैं। वह अपने सेवक से कहता है कि शीघ्र अतिशीघ्र जाओ और बाजार से कुछ और मजदूर ले आओ और उन्हें भी इसी कार्य पर लगा दो। सेवक जाता है, लेकिन जब तक वह मजदूरों को लेकर के वापिस आता है तब तक शाम ढल चुकी होती है। बाग में काम करने का समय समाप्त हो चुका होता है। अब बारी आती है मजदूरी देने की। सेठ सभी मजदूरों को एक स्थान पर एकत्र कर लेता है और सबको समान वेतन वितरित कर देता है। जैसे ही सभी मजदूरों ने यह देखा, जो मजदूर प्रातः काल से परिश्रम कर रहे थे, अंगूर तोड़ रहे थे, उनमें से एक मजदूर ने शिकायती लहजे में कहा कि ये आपने क्या किया, सबको समान वेतन दिया? हम तो प्रातः काल से ही अंगूर तोड़ने के कार्य में परिश्रमरत हैं। और चलिए मान लेते हैं कि जो मजदूर, जो लोग दोपहर को आए, उन्होंने थोड़ा बहुत परिश्रम किया, कुछ अंगूर तोड़े, परंतु जो लोग शाम ढल जाने पर आए, उन्होंने तो एक अंगूर भी नहीं तोड़ा, आपने उनको भी समान वेतन दिया, ऐसा क्यों? सेठ ने उस मजदूर से पूछा, क्या आपको आपकी योग्यता व आपके परिश्रम से कम मिला है? उस मजदूर ने कहा, नहीं, आपने हमें भी कुछ अधिक ही दिया है, परंतु फिर भी जितना परिश्रम हमने किया उतना इन्होंने नहीं किया। तो सेठ कहता है कि मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आपने मेहनत से कमाया है, मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास आधिक्य है और मेरे पास देने की प्रबल इच्छा भी है। आपको समस्या तो तब होनी चाहिए जब आपको आपकी योग्यता व परिश्रम से कम मिला हो, क्योंकि मैंने आपको आपकी मजदूरी का भत्ता मात्र नहीं दिया है, उससे कहीं अधिक दिया है। गुरु महाराज जी ने यह कहानी सुनाई, यह कथा सुनाई और उस गुरु बहन से पूछा, समझ आई तुझे बात? गुरु बहन ने स्वीकृति में सिर हिलाया और फिर गुरु महाराज जी उस गुरु बहन से कहते हैं कि गुरु की अवस्था भी कुछ ऐसी ही होती है। गुरु भी अपनी देने की आदत से मजबूर होते हैं क्योंकि उनके पास भी देने के लिए आधिक्य है, परंतु समस्या तो तब होती है जब उन्हें देने ही ना दिया जाए। फिर तो गुरु की ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे एक नर्तक के पग में घुंघरू बंधे हों और उसे नाचने ना दिया जाए, हृदय में गीत मचल रहा हो लेकिन गाने ना दिया जाए। हम तब बहुत असहज हो जाते हैं जब हम दे नहीं पाते हैं। और सत्य है, गुरु जब देने के लिए निश्चय कर लेते हैं, गुरु जब देने के लिए ठान लेते हैं, फिर वो शिष्य की योग्यता व पात्रता का अवलोकन नहीं करते हैं, वह बस अपने शिष्य के ऊपर लुटा देते हैं। यदि किसी ने 100 रुपए का कार्य किया और 100 रुपए ही दे दिए गए,
यह तो मेहनताना हुआ, कृपा नहीं। कृपा तो वह होती है जिसमें कुछ भी आंकलन किए बिना बस दे दिया जाता है, और गुरु भी हमारी योग्यता अयोग्यता का आंकलन किए बिना ही हम पर सर्वस्व लुटा देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि गुरु हमसे व्यापार नहीं करते हैं, गुरु हमसे प्रेम करते हैं। और प्रेम में वो योग्यता अयोग्यता, पात्रता अपात्रता, गुण दोष पाप पुण्य व स्वच्छ मलिन का भेद नहीं करते हैं, बस वो खुले हाथों से अपने शिष्य के ऊपर अपना सर्वस्व लुटा देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, सज्ज हो जाते हैं। और जब शिष्य की झोली गुरु के द्वारा प्रदत्त नियमतों से भर जाती है, तो फिर शिष्य का कंठ नेति नेति कर गुरु की महिमा गान करने के लिए तत्पर हो जाता है।